गुरुवार को बिहार की राजधानी पटना में योग गुरु स्वामी रामदेव के करीबी और एमएलसी नवल किशोर यादव, जो बिहार प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे खास बातचीत की युवा शक्ति के संवाददाता कौशलेंद्र पांडे ने। जिन्हें अभी तक कोई संदेश नहीं दिया है, इस पर हम क्या कहेंगे? स्वामी जी को जब जरूरत पड़ेगा, अभी संदेश नहीं दिया है, जब जरूरत पड़ेगा, जब पार्टी को जरूरत पड़ेगा तो संदेश देंगे। स्वामी जी को तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को बहुत मानते हैं, चाहते हैं, इसलिए स्वामी जी उनके पक्ष में ही रहेंगे। स्वामी जी ने कोई विपक्ष की बात नहीं कही है, वो पक्ष में ही है और स्वामी जी को जब जरूरत होगा तो वो काम करेंगे। तेजस्वी यादव से जैसी सूचना प्राप्त हो रही है, राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता फातमी, कांति सिंह, अन्य लोग नाराज चल रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े नेता हो या वहाँ बड़े नेता छोटे नेता का कोई परवाह नहीं, वहाँ कोई बड़ा नेता नहीं होता। जो लालू यादव के घर में पैदा लेगा वही बड़ा नेता होगा, चाहे वो गूंग रहे, पागल रहे, अनचल्लू रहे, अठवा पास रहे, वो लालू यादव जी के जो घर में पैदा लिया है वही नेता हो सकता है। और बाकी लोग तो याचक हैं, चाहे वो कांति सिंह हो या और कोई हो, याचक लोग कितना लड़ पाएंगे ये मुझे संदेह लगता है। याचना करते करते आदमी की हैसियत खत्म हो जाती है, याचक लोग अब कितना लड़ते हैं ये समय बताएगा। लालू राबड़ी मोर्चा पर आप क्या कहेंगे? लालू राबड़ी मोर्चा तो उसी तरह है, बहुत फेरहा आदमी है वो, कहीं हम लोगों को आंख में धूल झोंकने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। और वो चाहते हैं बड़े बेटा को उलझाए रखना, ताकि छोटा बेटा को राजनीति करने के लिए फ्रीडम मिल सके। जिस तरह से पति पत्नी में लड़ाई लगा के डिवोर्स का करके उसका अट्रैक्शन उधर किया, उसी तरह फिर लालू राबड़ी मोर्चा बना के ये पब्लिक के आँख में धोखा झोंक बालू झोंक रहे हैं, ये चलने वाला नहीं।